अब आप कह रहे हो जी पुलिस पे सवाल दाग रहे हो, ये कर रहे हो, अरे पुलिस पे सवाल क्यों ना दागे। 1.25 साल हो गया, उनकी बुआ उनके सब पे बैठ के नाच रही है और वो कुछ नहीं कर रहे। क्यों भाई, क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें चार्जशीट ही तो देनी है, क्यों नहीं देते चार्जशीट? चार्जशीट फाइल करो, फिर हमारा काम है, पुलिस का काम खत्म है, फिर हम देखते हैं कि कैसे सजा नहीं होगी ट्रायल को। आप कहते हो जी पुलिस पे इल्जाम लगा रहे हो, ये कर रहे हो, पुलिस की चमचा मारनी है, आप मारो चमची, मोमिन मलिक चमची नहीं मारेगा, जो जैसा होगा वैसे ही कहा जाएगा उसको। हमने उनको लिखा भी है जल्दी चार्जशीट फाइल करो। पहले एकदम शुरू के दिन में तो हमने नहीं कहा कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, हम 6 महीने, मुझे इस 8 महीने होने जा रहे हैं, 7-8 महीने, आते ही मैंने लिखा था इसकी जांच तेजी से करो, इसकी चार्जशीट पेश करो, अब तक कुछ नहीं करा, तो फिर क्या कहें? फिर उसको सीमा हैदर को बुआ कहें उनकी या ना कहें, जब चार्जशीट पेश नहीं कर रहे? हमने लिख भी लिया, रोज आवाज भी उठाई जाती है, दुनिया के तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं, भारतीय लोग उठा रहे आवाज को उठा रहे हैं, बहनें उठा रही है, बेटियां उठा रहे हैं, फिर भी जॉन चार्जशीट पेश नहीं की जा रही। क्यों नहीं की जा रही चार्जशीट पेश? अब कहते हैं जी यूपी से हरियाणा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, सब कुछ होगा। कहते जी सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार को, अरे सरकार का रोल कैसे नहीं है? हमने चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को लिख दिया, डीजीपी उत्तर प्रदेश को लिख दिया, हरियाणा के डीजीपी को लिख दिया, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया। तो अगर हम डायरेक्ट कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट भी तो ये सवाल करेगी कि तुमने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा, तुमने डीजीपी अधिकारी को लिखा कि यहाँ अरेस्ट हुई थी हरियाणा में और ये केस वहीं ट्रांसफर करो, क्योंकि अरेस्ट पहले हुई है और FIR बाद में हुई है। अगर पहले FIR रबूपुरा के अंदर हो जाती तो अरेस्ट वो कहीं से भी हो सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर मुकदमा वहीं चलना था, लेकिन अरेस्ट हरियाणा बल्लभगढ़ से हुई है और 3 तारीख को, और अगले दिन आप FIR कर रहे हो रबूपुरा के अंदर, तो रबूपुरा की तो ज्यूरिडिक्शन नहीं है, बल्लभगढ़ की ज्यूरिडिक्शन है, तो मुकदमा तो वहीं दर्ज होना चाहिए था बल्लभगढ़ में, जहां की ज्यूरिडिक्शन है, जिस थाने के अंतर्गत वो पकड़ी गई है। इतना तो, इतनी तो कम से कम आपको जानकारी होनी चाहिए कि ज्यूरिडिक्शन किसको कहते हैं, जहां क्राइम हुआ है। और फॉरेन एक्ट के अंदर जब कोई विदेशी आदमी, क्योंकि वो भारतीय नहीं है, वो फॉरेनर्स है, पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी नेशनल है, कोई भी फॉरेनर्स, मैं आपको बता देता हूं कि फॉरेन एक्ट क्या कहता है, कोई भी फॉरेनर्स जो बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के भारत में आएगा और चाहे वो 10 साल रह ले, लेकिन जहां पहली बार अगर मुंबई में पकड़ा गया तो मुंबई के अंदर पर्चा दर्ज होगा, अगर दिल्ली में पकड़ा गया तो दिल्ली में दर्ज होगा, कोलकाता में पकड़ा गया तो कोलकाता में होगा, पानीपत में पकड़ा गया तो पानीपत में होगा, जहां पहली बार उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और ये विश्वास में सरकारी एजेंसी लेंगी कि ये व्यक्ति भारतीय नहीं है, ये व्यक्ति दूसरे देश का व्यक्ति है, वहीं जिस स्थान पर उसको पहली बार आइडेंटिफाई किया जाएगा वहीं ज्यूरिडिक्शन बनेगी और वहीं जो है वो मुकदमा दर्ज होगा। जो हमने फरीदाबाद पोक्सो कोर्ट में जो मुकदमे लगाया है, ये सवाल जज साहब ने भी किया था, सेशन जज साहब ने, कि जी यहां की ज्यूरिडिक्शन कैसे बनती है, तो हमने उस पर बहस करके और अपने हक को जीता था, उन्होंने बाकायदा इस बात को माना था कि हाँ इसकी ज्यूरिडिक्शन जो है वो फरीदाबाद में बनती है, बल्लभगढ़ के अंदर, तब जाकर के हमारे केस को स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था, वरना तो पहली स्टेज पे हमारा केस उठ जाता। इसको बोलते हैं ज्यूरिडिक्शन। और आप गुमराह मत करो, देखते जाओ होता क्या है, मोमिन मलिक करता क्या है, होता क्या है इस केस में, सब कुछ होगा, सारी दुनिया के सामने होगा, सारी दुनिया खड़ी होकर ताली बजाएगी। तो लोगों को गुमराह ना करो, अगर आपको सलाह देनी है अच्छी सलाह दो, कानूनी सलाह दो, कोई ऐसी सलाह ना दो जिसकी वजह से लोगों के अंदर गलतफहमी हो जाए। आप पढ़े लिखे समाज का हिस्सा हो, रिस्पेक्ट के काबिल हो, आप हमारे भाई हो, आपकी रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है। तो लो दोस्तों, जैसे जैसे नजदीक केस आता जा रहा है,
तो वो मछली की आंख में जो तीर लगने वाला है आपको इधर से खींचेगा, आपको इधर से खींचेगा। मकसद सिर्फ कंट्रोवर्सी पैदा करना और विवाद में लेके आना और अपने आप को सुप्रीम दिखाना, ये मकसद और कुछ भी मकसद, ताकि छेड़े अगला जवाब दे, फिर वो कंट्रोवर्सी बने, फिर वो आगे चले, लोग चैनल देखे, कोई रीच बढ़े, कुछ हो वो मतलब एक मसाला मिले। मसाला ले ओ, मना नहीं है, लेकिन दो बात ना करो, एक तो लोगों को गुमराह ना करो, सच बात को दिखाओ, झूठ मत दिखाओ, लोगों को दूसरे तरीके से उनके माइंड डाइवर्ट, झूठ बात को ना फैलाओ। दूसरी बात, किसी को गाली गलौज ना करो, बस दो काम मत करो, उसके अलावा जो मर्जी करो, मेरी बुराई करनी जो भी करना करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लोगों को गुमराह ना करो और एक दूसरे को गाली गलौज ना करो, बस ये दो बातों का ख्याल रखो। तो ठीक है दोस्तों।